सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदौलेकर, इनका प्रवचन 29 जून। पुण्यतिथि कैसे मनाएं? पुण्यतिथि कैसे मनाओगे? इस दिन जो नियम किया जाए वो निरंतर बना रहे, अतः आज पहले निश्चय करो कि आज से नाम के सिवाय बोलूंगा नहीं। नाम में रहने का प्रयत्न करो, तब यहाँ आने का श्रेय मिलेगा। यहाँ जो भी आता है उसके पास मैं रहूं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन तुम ही दरवाजा बंद करके रखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेहमान घर आएगा और यदि हमने दरवाजा ही नहीं खोला तो वो क्या करेगा? वैसे ही विषयों में रहकर दरवाजे बंद मत रखा करो। नाम स्मरण कंठ में निरंतर रखो, तब विषयों का आक्रमण नहीं होगा। अब कलिकाल जोर पकड़ता जा रहा है, उसके हमले से बचना हो तो नाम स्मरण में विश्वास रखो। कोई कुछ भी कहे, नाम मत छोड़ो। जैसे पानी का प्रवाह अति गतिमान हो तो किसी मजबूत और दृढ़ पेड़ को रस्से से बांधकर रखने से वस्तु बह नहीं जाती, वैसे ही यदि तुम नाम का पल्ला कसके पकड़ रखोगे तो कलिकाल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे समर्थ रामदास दासबोध में नाम स्मरण के समास यानी अध्याय में कहते हैं कि नाम ही रूप है, तो वैसा समझकर नाम लेते चलो तो रूप दिखाई देता है। भगवान को हमारे अंतकरण में प्रकट होना होता है, इसलिए नाम स्मरण के सहारे वो धीरे धीरे प्रकट होंगे और यही बात सचमुच हित की और स्थायी होती है। सिर पर हाथ रखकर चमत्कार होना, किसी प्रकार का तेज दिखाई देना, कोई मूर्ति सपने में दिखाई देना, ये सब बातें तात्कालिक होती है। कोई कमजोर दुबला पतला आदमी मोटा होने के लिए सोचेगा कि सूजन से मेरा शरीर फूल जाए तो वो पागलपन होगा। इसके विपरीत यदि वो व्यवस्थित दवाई लेता है तो शायद मोटा नहीं होगा लेकिन बलवान जरूर होगा। वैसे ही परमार्थ के अनुभव के बारे में है और ऐसा अनुभव बढ़ता रहे, इसलिए पुण्यतिथि यानी बरसी मनाई जाए। निरंतर नाम स्मरण करने से आज नहीं तो कल भगवान से प्रेम अवश्य होगा। गृहस्थी की गड़बड़ी में भगवान का स्मरण होता रहे, इसीलिए उत्सव त्योहार पुण्यतिथियां आदि होती हैं। सचमुच गृहस्थ के लिए कितने ही पाश होते हैं। पैसा, इज्जत, बाल बच्चे, मित्र, सगे संबंधी आदि सब पाश ही होते हैं। ऐसे अनेक पाशों में नामस्मरण करना कितना कठिन है, इसलिए निरंतर नामस्मरण कर पाएगा ऐसा व्यक्ति बहुत तगड़ा चाहिए। नाम के पीछे भगवान का अस्तित्व होता है और नाम में सत्संग भी है, इसीलिए बदले में कुछ मिलेगा ऐसी इच्छा न रखते हुए आज से हृदय की भावना से नामस्मरण करने का निश्चय करें। संतों का अस्तित्व उनकी देह में नहीं बल्कि वचनों में है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।